हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम निकले थे सारे एक बहुत ही अच्छी जगह जाने की ट्राई थी। आज हमारी ज़ियारत पे जा रहे थे तो मैं नहीं जा रहा था, मैं इनके साथ जा रहा था। जहाँ पे ये जाएंगे ये वो है तो, ये इरफान है हमारे साथ, मतलब ये सॉरी गेस्ट। तो ये हमारे साथ जेडी है, ये हमें अब नज़रों में नहीं रखता। ये सीन हो गया सारा। तो जा रहे हैं हम अभी गली पिंडी पहुंचे हैं, तो यहाँ से अब लगभग एक घंटा लगेगा हमें जहाँ जाना है। तो आज बहुत ही मजा आएगा क्योंकि हम सारे काफी चल के आए हैं, काफी बुरी कंडीशन होगी इतनी सर्दी के बावजूद। हमने ऊपर जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनी, जो पहनी हुई थी वो भी उतार दी इसी वजह से। हमने एक जंगल में आए, हम आपको बताते हैं व्यू, पूरा व्यू चेक करवाते हैं। प्यारी सी जगह है, ये टॉप पे आए हम, बादल भी आ चुके हैं यहाँ से, हर जगह दिखती है, दूर दूर तक दिखता है यहाँ से। अभी 5 मिनट हो निकले हो तो हम एक डेढ़ घंटा लगेगा। हमें सुबह से निकल चुके हैं हम घर से, हमें एक डेढ़ घंटा लगेगा और जाने में ज़ियारत पे। आज हम ज़ियारत के लिए निकले हैं, मैं अमजद भाई, अब्दुल बार और इरफान भाई। तो हम आपको बताते रहेंगे पूरा दिन का सफ़र, कि हमारा दिन का सफ़र कैसा चल रहा है ना। बिल्कुल जंगल के बीच में, बीचों बीच जा रहे हैं हम, आपको व्यू चेक करवाते हैं। बिल्कुल देखो जंगल है, बिल्कुल जंगल जंगल है। और इरफान ऐसे हम गाड़ी पे भी जा सकते थे, हमने सोचा आज पैदल जाते हैं, तो पैदल जाने में अलग ही मजा है। फरमाना ये है कि इरफान मतलब ऐसे हमारा दोस्त है, पर हमने इसको बच्चों की तरह पाला पोसा है, पाला सिर्फ पाला नहीं, पाला पोसा भी है, पोसा भी है, ये है। इसको सारा क्रेडिट मुझे जावेद और अमजद को जाता है। तो हमें तो ठंड लग रही थी, हमने इन्हें डाला है, फिर भी इसमें तो कुछ नहीं डाला, वो जो लगाया था वो भी उतार दिया इसने। जल रही है, पता नहीं जल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है इसकी वजह से। हम गाड़ी पे भी जा सकते हैं, गाड़ी पे नहीं गया, हमने पैदल का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। गाड़ी पे वो व्यू नहीं आता जो यहाँ पे आ रहा है, पैदल चलने का अलग मजा आएगा। बट साहब फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हैं तो हमने से थोड़ा सा मैं चलो थोड़ा घूम फिर लेंगे, वैसे ही घर में बैठ बैठ के बोर हो गए थे। तो इनका इनसे ट्रीट भी लेनी है क्योंकि इन्होंने आज इनके लोंडियाबाजी करके बीएससी कर लिया, लोंडियाबाजी करके ग्रेजुएशन भी कर लिया। हम भी फिर से हमें पहुँच चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो साथ में मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इरफान माय बेस्ट फ्रेंड, इसने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, जब कोई अपना आगे जाता है बहुत खुशी की फील होती है, एक प्राउड फील होता है। निबर 2.0 पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फी ले लिए जा रही है पत्थर के साथ, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है पत्थर पे, ये देखने तो ये दिल से बना के किसका नाम लिखा है जंगल के बीच में, जंगल है मंगल है। गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए नीचे क्या अच्छी जगह है, कितनी प्यारी सी जगह है। नीचे दूर दूर तक जंगल है पूरा, ये अब्दुल बार थक गया है काफी, बहुत चले हम सुबह से चल रहे हैं, ले लिया इसने मुंह में भी लेगा, बड़ा अच्छा। बारिश चल रही है, धूप भी चल रही है, तो बहुत मौसम की अलग ही वाइब आ रही है, पता बारिश हो रही है, बारिश सीमी सीमी सी, अच्छा रोमांटिक माहौल बना है, सीमी सीमी सी सारी धीमी धीमी सी, हाँ वही कुछ इधर उधर। तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे हम ऊपर, आगे आपको दिखाएंगे बहुत प्यारी प्यारी जगह। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बताएं गली पिंडी का। इरफान हमारा थोड़ा शर्माता रहता है, अभी बोल रहा था मुझे कैमरे में लाओ, मैं स्टार बनना चाहता हूं, मिनते कर रहा था कि कैमरे में लाओ, मैंने कहा चलो तरस खा लेते हैं इस पे भी, तो बच्चे का सपना पूरा कर देंगे। थोड़ी देर के बाद तब तक के लिए। तो गाइस फाइनली ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं, थक गए, जगह का नाम तो मुझे पता नहीं, अमजद को बताओगे अच्छी तरीके से। गली पिंडी पर टॉप पे यहाँ पे जो हवा चल रही है, जो मौसम है, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आप सर्दी भी लग रही है, मौसम चेंज हो रही है। हमारा छोटे वाला दोस्त है ये बड़े वाला हमारा। तो हमारे साथ कुछ और बंदे भी हैं, बट हम उनको कैमरे में नहीं ला सकते, सॉरी फॉर दैट। हमारे आगे उन्होंने बोला कैमरे में नहीं आ सकते। तो फाइनली हम
एक ऐसी जगह, बहुत अच्छी जगह, यहाँ पे रोड भी है और गली पिंडी का बिल्कुल टॉप है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। पता इसी लेवल से कितना ऊपर है, पर यहाँ पे जो हवा चल रही है ना इस वक्त, मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती मैं क्या क्या कैसा। बहुत मस्त जगह यार, यहाँ पे कभी आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत घूमने की मस्त जगह, यहाँ पे गली पिंडी है। आ चुके हैं हम गली पिंडी, मतलब जहाँ पे स्टेडियम है, कई लोग आए होंगे यहाँ पे, बहुत मतलब टूरिस्ट प्लेस है ये। आगे सामने पार्क पूरा है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। यहाँ पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है जो हम सुबह से पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे। हम आ सकते हैं रोड पे, हमें भी आ सकते थे गाड़ी पे, बट हमने सोचा कि वो मज़ा नहीं रहेगा फिर, तो साथ में कुछ और भी हमारे फ्रेंड्स लोग थे, तो वो थोड़ा आगे। तो इरफान बहुत शर्माता है, मुझे इसका तरस आता है, तो बाकी तो सब बढ़िया हैं, ये फनी बंदे हैं, इसका थोड़ा सा मुझे फिक्र रहता है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, मुझे बस मतलब सोच खत्म कर रही है। हम किस लिए बैठे हम इसकी पूरी रक्षा करेंगे ना। मैंने सोचा मैं अपने जाने के बाद सारी जिम्मेदारी जावेद और रमजीत को सौंप के जाऊंगा, पर फिर भी एक बच्चे का जिम्मेदारी आपको आपने समझ पाओगे भी आप। इतना अच्छा व्यू है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी और धूप भी लग रही है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, इतना प्यारा व्यू है। देखिए ऊपर बिल्कुल टॉप पे हैं हम, तो नीचे तो पूरा जंगल जंगल है। ये आगे हमारा नूरपुर, अब्दुल बार ने साथ में हाथों खुंडी भी ली हुई। आज करीब 2-3 घंटे चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं गली पिंडी, तो यहाँ से पार सामने, हमने बताया यहाँ पे पार सामने थानपीर भी है, तो बस इंशाल्लाह जहाँ पे हमने जाना है घंटा डेढ़ घंटा बता, हमने कुछ खा पी लिया कुछ सही, तो यहाँ पे मिला नहीं, दुकानें वाला बंद थी क्योंकि आज सर्दी है ना यहाँ पे काफी, मतलब तो काफी नहीं है। इरफान को भूख लग जाती है जनाब, हाँ, तो कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था वो, कोल्ड ड्रिंक इतनी सर्दी में, वो तो मिली नहीं, बेचती हुई दुकानदार ने कह रहा है कौन सी कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहे हो आप आज, यहाँ सर्दी है, सर्दी में कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं होती। गाइस अभी हमें जाना है कहाँ पे, यहाँ पे इधर जाना है हमने, तो अभी इंशाल्लाह सामने दिख रही है आपको, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, तो अपना सफर की चलो शुरू करते हैं। बारिश का भी शायद आज बारिश भी होने वाली है, कि हम यही दुआ है खुदा पाक से कि जाते टाइम बारिश ना हो, वापसी देख लेंगे, या क्या पता हम गाड़ी पे वापसी आ जाएं। तो गाइस 4-5 घंटे के बाद पहुंच गए हैं आप, अभी मुझसे दुआ जावेद ने हमजद ने मैंने, 2 बज गया करीब, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज नमाज पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या सीन आगे का, अभी जाना भी है वापस, तो करीब 3-4 घंटे तो चाहिए जाने के लिए, यहाँ से मंडी जाना थोड़ा मुश्किल है। गाइस ये पीछे बच्चा पत्थर उठा रहा है, यकीन मानोगे सबसे ज्यादा मैंने उठाया, मैंने उसके बाद अमजद ने उठाया, उसके बाद जावेद ने उठाया, उसके बाद इसने उठाया, मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा मैंने उठाया। ये है अभी बच्चा और वैसे भी बच्चा ये है, अभी हम नमाज पढ़ के हैं, जितना सुकून मिला है मस्जिद में जाने का, मैं बोलता हूँ इतना सुकून जिंदगी में किसी जगह पे जाने का नहीं है। अभी जाएंगे वहाँ पे, अभी थोड़ी यहाँ पे धूप लगी है, सोचते हैं थोड़ा आगे तक जाएं, यहाँ पे इन्हें रुकने के लिए थोड़ी सी जगह, रुकने के लिए थोड़ी सी जगह से बनाई हुई है, तो वहाँ पे रुकते हैं 1-2 मिनट फिर इंशाल्लाह फिर जाएंगे। ये देख लो पीछे ज्यारत है, ये जावेद और सारे गए थे, मैंने गया पर मैं पता नहीं गया क्यों नहीं, फिर ये हम 3-4 तो वापस आ गए, बट ये नहीं गया, बोल रहा है मुझे मन है ज्यारत पे जाने का, हमने ठीक है तेरी मर्जी है भाई, हम तो हमने नमाज भी पढ़ ली और ज्यारत पे गए, ज्यारत करके अभी वापस आ गए, तो अब हम यहाँ बैठने लगे हैं, फोटो वगैरह उठाते हैं 2-3। जितना हम चले ना बहुत भूख, ये क्या बहुत भूख लगी हुई, अब खाने का कोई जुगाड़, खाने का अभी 2-3 बज चुके हैं शायद, अभी हमने सुबह से खा लिया, रास्ते में तो कुछ मिला नहीं खाने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पर अभी मस्जिद पे हमने बच्चों को देखा, अभी मस्जिद के लेंटर पे जाएंगे, इतने दूर से आए तो चलो। अभी मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाते हैं आपको, हमारा बॉर्डर कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो फिर हम अब जाने की तैयारी है हमारी, काफी ज्यारत में दुआ शुआ मांगी मस्जिद में, ये नहीं गया बट ये नहीं गया, दुआ नहीं मांगता क्योंकि ये थोड़े से दूसरे ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ब्रीड सिस्टर कुछ भी कह लो, तो अभी दुआ मांग ली हमने, नमाज भी अच्छे से पढ़ ली, अब हमारा थोड़ा सा काम बचता है नीचे, खाना वाना खा के तो जाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से 6 बजे से निकले हैं, बहुत टाइम मुझे दिख नहीं रहा, मेरी आंखों में धूप लग रही है, इनकी आंखों में धूप लग रही है, इनको स्पेक्स तभी लगी है, तो अब निकलेंगे थोड़ी देर में, तो आते टाइम हमने सारा कवर कर लिया, अब जाते टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कवर करें,
रास्ते में अच्छी अच्छी चीजें हुई तो आपको दिखाएंगे। एक मेरी बात सुनो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें, फ्री का है। तो मिलते हैं फिर जरूर। तो गाइस, चाय पीने का मन था बट चाय यहाँ पे दूध खत्म हो गया, भैया बता रहे हैं। तो अब हम ने कोल्ड ड्रिंक आज सर्दी में भी इनकी वजह से हमें भी पीनी पड़ी ये कोल्ड ड्रिंक। तो ये चटनी वाला कोई ना खावण ना इन्होंने मुंह पे देख बस चटनी मांग रहा है, फिर भी चटनी मांग रहा है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मेरा तो मन नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीने का, फिर भी यार बोल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, पी ले। बट साहब आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा आपके हाउस बिल में शैतान में जी 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 ग्रीन कलर, आप ग्रीन कलर, ये हमारा ग्रीन कलर का बंदा, ठीक है? वेलकम बैक। और अब हम नीचे आ गए, अभी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी इरफान की वजह से, हो गया इसका दिमाग थोड़ा सा। मैंने बोला चाय पीते हैं, नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी। मैंने बोला यार नाराज है, आपने बोलता है। पहले भी हम चल के आए मंडी से यहाँ तक तो थक गए आप, फिर मुझे लगता है वापस पैदल ही जाना पड़ेगा। हम जो गया हुआ था अंदर, पता नहीं कटिंग वाली दुकान पे, पता नहीं क्या लेने गया हुआ था, पता बार बार खूबसूरती करा था, बोल रहे मेरे अंदर खूबसूरती क्यों है। ये इसने खुशफहमी पाली हुई है, क्या हाल है? तो गाइस अब निकल चुके हैं यहाँ से, देखते हैं पैदल कितना सही रहते हैं। जिना मेरी को तकात है, जिना कोई तकात है ना मेरी, कोई तकात। गाइस अभी हम घर नहीं पहुंचे, करीब डेढ़ घंटा या दो घंटे लग जाएंगे। पिछले चार घंटे से चल रहे हैं लगातार पैदल, थक गए। अभी कुछ मिला नहीं खाने के लिए, क्रंची मरंची मिला तो ये खा रहे हैं, बस ये खा रहे, थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट भी कर लें। तो 3 बजे चलना शुरू किया था, अभी पूरे 6 बज गए, देख लो इधर उधर अंधेरा, अब शाम होने वाली है। तो ये मैंने बच्चों को चीज़ लेके दी, मैं खा लो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मज़ा है या ना मज़ा है वो बात अलग है, पर हमने आज बहुत मेहनत की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।